मेरा नाम डॉक्टर अंकित है। मैं डीसीडीसी किडनी केयर में एक डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर हूँ। आज हम बात करेंगे डायलिसिस के समय होने वाली परेशानियों के बारे में, जिन्हें इंट्राडायलिटिक कॉम्प्लिकेशंस भी कहते हैं। डायलिसिस के समय होने वाली कॉम्प्लिकेशंस दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस और दूसरी होती हैं टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस की। सबसे पहली कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, वो है हाइपोटेंशन, यानी बीपी का कम हो जाना। बीपी का कम हो जाना डायलिसिस के समय उस समय कहा जाता है जब प्री डायलिसिस बीपी से डायस्टॉलिक बीपी 20 से 30 मिलीमीटर पर मरकरी कम हो जाए एंड सिस्टॉलिक बीपी 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम रहे। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर डायलिसिस से पहले का बीपी 130/80 है और एक घंटे की डायलिसिस के बाद अगर वो 110/60 हो जाए तो उसे हम कहेंगे हाइपोटेंशन, यानी बीपी का कम हो जाना डायलिसिस के समय पे। तो अभी बात करते हैं कि हाइपोटेंशन बीपी कम किन कारणों की वजह से होता है। सबसे पहला कारण है हमारा कि बहुत ज्यादा पानी निकल जाने के कारण बीपी कम हो सकता है। दूसरा कारण अनीमिया की वजह से हो सकता है, अगर बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए डायलिसिस के समय। तीसरा कारण एनाफाइलेक्सिस, यानी कोई एलर्जिक रिएक्शन हो जाए जिसकी वजह से बीपी कम हो सकता है। चौथा कारण है बीपी कम करने की दवा लेना डायलिसिस से पहले। एंड आखिरी कारण हो सकता है कि कोई हार्ट की परेशानी हो पेशेंट को, जिसकी वजह से उनका बीपी कम हो जाए। तो अभी बात करते हैं क्या साइंस और सिम्टम्स आएंगे पेशेंट को जिसका बीपी कम हो जाए। सबसे पहले नौजिया हो सकता है, उसको उल्टी हो सकती है, वॉमिटिंग जिसे कहते हैं, उसके हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं, उसके हार्ट रेट बढ़ सकता है जिसे टैकीकार्डिया कहते हैं, और पेशेंट सुस्त हो सकता है एंड उसको उबासियां भी आ सकती है। और इसी के साथ पेशेंट का रंग फीका पड़ सकता है, पेशेंट बेहोश हो सकता है एंड इसी के साथ पेशेंट को सीजर्स भी आ सकते हैं, जिन्हें हम हिंदी में दौरे कहते हैं। अगर हमारा पेशेंट हाइपोटेंशन में चला जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हम उसको सेलाइन इन्फ्यूजन देंगे, एक बोलस देंगे नॉर्मल सेलाइन का, फिर उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को स्टॉप करेंगे, पेशेंट को ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में डालेंगे, यानी उनके पैर ऊंचे कर दिए जाएंगे, एंड डायलिसिस मशीन में सोडियम मॉडलिंग की जाएगी या सोडियम प्रोफाइलिंग बदली जाएगी। अब दूसरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसे कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी बीपी का बढ़ जाना। डायलिसिस के समय बीपी का बढ़ जाना बहुत कॉमन कंडीशन होती है एंड हाइपरटेंशन तब कहा जाता है जब हमारा बीपी 180/100 से ज्यादा हो डायलिसिस के समय पर। एंड इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट हेडेक कंप्लेंट करता है यानी सर में दर्द, पेशेंट ड्राउजी हो जाता है यानी सुस्ती आती है पेशेंट को, पेशेंट की छाती में दर्द हो सकता है, पेशेंट को सांस लेने में परेशानी हो सकती है एंड साथ में उसको उल्टी भी हो सकती है। तो अब बात करते हैं कि हाइपरटेंशन यानी बीपी बढ़ने के क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि पेशेंट अपनी बीपी की मेडिसिन मिस कर दे। दूसरा कारण फ्लूइड ओवरलोड, यानी पेशेंट का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। तीसरा कारण पेशेंट सिगरेट स्मोक या बीड़ी स्मोक करता हो। चौथा कारण हो सकता है कि पेशेंट का मोटापा ज्यादा हो। पांचवा कारण हो सकता है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, यानी एक्सरसाइज का कम होना। छठा कारण हो सकता है बहुत ज्यादा नमक का उपयोग करना। सातवां कारण हो सकता है अल्कोहल यानी हार्ड ड्रिंक्स यूज करना। और फिर स्ट्रेस के कारण भी हो सकता है, पर कुछ लोगों में फैमिली हिस्ट्री के कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी का बीपी बढ़ जाए तो उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो उसे दवाइयां दी जाएंगी डॉक्टर के एडवाइस पर, फिर मशीन में सोडियम प्रोफाइलिंग की जाएगी, फिर तीसरी चीज है कि फ्लूइड मैनेजमेंट किया जाएगा यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन डॉक्टर की एडवाइस पर। इस सब ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को भी कुछ एडवाइस दी जाएंगी ताकि उनका बीपी अगले डायलिसिस पे ना बढ़े। सबसे पहले उन्हें खाने में नमक का उपयोग कम करने के लिए कहा जाएगा, फिर उन्हें अपना वेट गेन कम करने के लिए कहा जाएगा यानी पानी कम पीने के लिए कहा जाएगा, एंड उन्हें ये भी बताया जाएगा कि उनको अपने मेडिसिंस रेगुलर टाइम पे लेने ताकि उनका बीपी अगले डायलिसिस पे ना बढ़े। तो तीसरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करें तो वो होता है मसल क्रैम। तो मसल क्रैम का मतलब होता है कि मसल्स में पेन होना, यानी हाथ के मसल्स में या पैर के मसल्स में या एब्डोमिनल यानी पेट के मसल्स में पेन होना। अब बात करते हैं कि मसल क्रैम किन कारणों की वजह से हो सकता है। सबसे पहले हाइपोटेंशन यानी बीपी कम हो जाना। दूसरा कारण हो सकता है रैपिड फ्लूइड रिमूवल, यानी बहुत ज्यादा पानी बॉडी से बहुत कम समय में निकाल लिया जाए। एंड तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट पोटेशियम शिफ्टिंग इन द बॉडी, यानी पोटेशियम आयन का शिफ्ट हो जाए बॉडी के कंपार्टमेंट्स में। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी को मसल क्रैम्प्स हो जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो उनको एक नॉर्मल सेलाइन का बोलस दिया जाएगा, फिर जहां पर भी मसल क्रैम्प हुआ है जिस बॉडी पार्ट में, उस मसल को मसाज किया जाएगा,
फिर उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट को या कम किया जाएगा या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को बिल्कुल ही बंद कर दिया जाएगा। आखिर में पेशेंट का ड्राई वेट दोबारा से चेक किया जाएगा। अब हम बात करते हैं डायलिसिस की उस कॉम्प्लिकेशन के बारे में जो जानलेवा भी हो सकती है, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम कलेक्शन है न्यूरोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स का जो सेरेब्रल एडिमा यानी ब्रेन में सूजन के कारण हो जाए। ये या तो ड्यूरिंग डायलिसिस हो सकता है या बहुत समय के बाद डायलिसिस लेने के कारण भी हो सकता है। डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम होने का कारण हो सकता है कि यूरिया का बहुत जल्दी बॉडी से बाहर निकाल लेना, जिसकी वजह से एक ट्रांजिएंट ऑस्मोटिक ग्रेडियंट बन जाता है बिटवीन प्लाज्मा एंड ब्रेन, जिसकी वजह से बॉडी का सारा पानी ब्रेन में चला जाता है और ब्रेन में सूजन कर देता है। तो अब बात करते हैं कि DDS यानी डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम के साइंस और सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम हो सकता है नौजिया या वॉमिटिंग यानी उल्टी आना। सिवियर हेडेक हो सकता है यानी सर में दर्द होना। पेशेंट को बेचैनी हो सकती है या घबराहट के सिम्टम्स आ सकते हैं। पेशेंट का BP बढ़ सकता है हाइपरटेंशन के कारण। पेशेंट को बोलने में तकलीफ हो सकती है एंड पेशेंट को दौरे या सीजर्स भी हो सकते हैं एंड एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। अब बात करते हैं कि DDS होने के क्या कारण हो सकते हैं एंड किन कारणों की वजह से DDS हो सकता है डायलिसिस के समय। सबसे पहला कारण हो सकता है कि किसी का जिंदगी में पहली बार डायलिसिस किया जा रहा हो। दूसरा कारण हो सकता है कि उसका ब्लड यूरिया नाइट्रोजन 175 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा हो डायलिसिस शुरू होने से पहले। तीसरा कारण हो सकता है एक्सट्रीम्स ऑफ एज में यानी बच्चों में या बहुत ज्यादा एल्डरली में। चौथा कारण हो सकता है कि एकदम से डायलिसिस की रेजिमेन चेंज कर देना। पांचवा कारण हो सकता है कि पहले से कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज होना, जैसे स्ट्रोक हो, कोई मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो, पेशेंट के सर में कभी चोट लगी हो या पेशेंट को कोई सीजर डिसऑर्डर हो। छठा कारण हो सकता है किन्हीं वजहों से दिमाग में सूजन हो, जैसे हाइपोनेट्रीमिया की वजह से या हिपैटिक एनसेफेलोपैथी की वजह से। और आखिरी कारण हो सकता है कि परमिएबिलिटी इंक्रीज हो गई हो ब्लड ब्रेन बैरियर की, एंड इसका होने का कारण हो सकता है कि या तो कोई इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से सेप्सिस हो गया हो, या ब्रेन का इन्फेक्शन हो मेनिनजाइटिस, या ब्रेन का इन्फ्लेमेशन हो जिसे एनसेफेलाइटिस कहते हैं, या हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम हो। अब बात करते हैं कि DDS का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम पेशेंट के वाइटल्स बहुत अच्छे से मॉनिटर करेंगे। दूसरा, हम उसका ब्लड फ्लो रेट कम कर देंगे 120 पर। तीसरा, जो नौजिया और वॉमिटिंग हो रहा है पेशेंट को, उसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। एंड चौथा, हम ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को बेचैनी ना हो एंड उसके कोई मेंटल चेंजेस ना आए। अब बात करते हैं अगली कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जो है नौजिया और वॉमिटिंग, जिसका मतलब होता है उल्टी होना या उल्टी का मन होना। तो ये किन कारणों की वजह से हो सकता है? सबसे पहले DDS की वजह से ही हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है यूरीमिया होना यानी ब्लड यूरिया बहुत ज्यादा हाई होना। और तीसरा कारण हो सकता है हाइपोटेंशन यानी BP का कम हो जाना। अब बात करते हैं कि अगर किसी को नौजिया और वॉमिटिंग होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले उसे NS बोलस दिया जाएगा यानी नॉर्मल सलाइन दिया जाएगा। दूसरा, उनको एंटी एमेटिक मेडिकेशन यानी उल्टी रोकने की दवा दी जाएगी। तीसरा, उनके वाइटल्स मॉनिटर किए जाएंगे, कहीं उनका BP तो कम नहीं हो गया। एंड चौथा, हम चेक करेंगे कि कहीं DDS के सिम्टम्स तो डेवलप नहीं हो रहे। अगली कॉम्प्लिकेशन जो हो सकती है डायलिसिस के समय वो होता है हेडेक। हेडेक होने के दो कारण हो सकते हैं। सबसे पहला DDS यानी डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम एंड दूसरा होता है हाइपरटेंशन यानी BP का बढ़ जाना। तो हेडेक के समय किसी के सर में बहुत ज्यादा दर्द होगा, उसको उल्टियां हो सकती हैं एंड हेडेक होने का तीसरा कारण हो सकता है कि उनका BP हाई होना। अगर हेडेक की ट्रीटमेंट की बात करी जाए तो सबसे पहले एनाल्जेसिक्स देंगे यानी पेन किलर्स दिए जाएंगे। दूसरा, उनका हाइपरटेंशन मैनेज किया जाएगा यानी अगर BP बढ़ा हुआ होगा तो उसको कम किया जाएगा। तीसरा, अगर DDS के सिम्टम्स हमें दिखेंगे तो DDS को मैनेज किया जाएगा। तो अगली कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो है चेस्ट पेन यानी छाती में दर्द होना। तो चेस्ट पेन होने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से दो हो सकते हैं एंजाइना पेक्टोरिस या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस की। एंजाइना पेक्टोरिस एक मेडिकल कंडीशन होती है जिसमें छाती में दर्द और डिस्कम्फर्ट होता है कोरोनरी हार्ट डिजीज के कारण। ये तब होता है जब हार्ट मसल्स को इनफ ब्लड नहीं मिलता एंड इसका होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि हार्ट में जो आर्टरीज होती हैं उनका नैरो हो जाना या ब्लॉक हो जाना, जिसकी वजह से इस्कीमिया हो जाए। छाती में दर्द होने का दूसरा कारण हो सकता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक हो जाना। इसका कारण होता है कि मायोकार्डियम में बहुत कम ब्लड जाना या बिल्कुल ही ब्लड सप्लाई कम हो जाना। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी हार्ट अटैक साइलेंट भी हो सकता है और अनडिटेक्टेड भी निकल सकता है
एंड ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, उसमें क्या साइंस और सिम्टम्स आएंगे। सबसे पहला सिम्टम होगा एंजाइना पेक्टोरिस का कि प्रेशर या पेन फील होगा जो शोल्डर्स, नेक एंड जॉ में रेडिएट होगा। दूसरा सिम्टम होगा कि जो पेन होगा वो आता जाता रहेगा, यानी कभी होगा कभी बंद हो जाएगा। तीसरा सिम्टम होता है कि चोकिंग या स्ट्रैंगलिंग सेंसेशन होती है, यानी पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई उसका गला घोट रहा है। चौथा, नाइट्रोग्लिसरीन देने पे एंजाइना पेक्टोरिस के सिम्टम खत्म हो जाएंगे। एंजाइना पेक्टोरिस 1 से 2 मिनट के लिए ही होता है एंड इसके कारण कभी कभी नौजिया हो सकता है, पेशेंट फीका पड़ सकता है एंड उसके हाथ पर ठंडे पड़ सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस के बाद अब बात करते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में, यानी हार्ट अटैक के बारे में। तो अब बात करते हैं MI में क्या साइंस और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। पेन होगा जो मीडियास्टिनम में लोकलाइज होगा एंड वो रेडिएट कर सकता है नेक में, जॉ में, लेफ्ट शोल्डर में और लेफ्ट आर्म में। ये भी कभी आएगा कभी जाएगा, मतलब बीच बीच में कभी कभी पेन हो सकता है पेशेंट को। चोकिंग सेंसेशन हो सकता है पेशेंट को, सांस लेने में परेशानी हो सकती है। स्क्वीजिंग या क्रशिंग सेंसेशन हो सकता है, छाती में भारीपन लग सकता है पेशेंट को। पेशेंट को नौजिया और वॉमिटिंग भी हो सकती है इसी के साथ। इसी के साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो सकती है, पैलर हो सकता है और उसके हाथ पैर ठंडे पड़ सकते हैं। एंड इसमें हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन, यानी बीपी का कम होना और बीपी का बढ़ना, दोनों कारणों की वजह से हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि अगर चेस्ट पेन होगा तो उसको ट्रीट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यानी पेन किलर्स दिए जाएंगे। फिर नाइट्रोग्लिसरीन दिया जाएगा एंजाइनल पेन के लिए। तीसरा है फ्लूइड रिमूवल एक्यूरेट किया जाएगा और ड्राई वेट दोबारा से चेक किया जाएगा पेशेंट का। तो अब हम बात करते हैं अगली कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जिसे इचिंग कहते हैं, यानी खारिश होना। खारिश होने के 3 कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कि पेशेंट की स्किन ड्राई हो। दूसरा, पेशेंट का फॉस्फोरस लेवल काफी ज्यादा हो, यानी 4.5 मिलीग्राम पर डेसिलीटर से ज्यादा हो। तीसरा, पेशेंट को कुछ एलर्जीज हो। तो अब बात करते हैं कि अगर किसी को इचिंग होगी तो उसका ट्रीटमेंट क्या दिया जाएगा। सबसे पहले उसकी डायलिसिस एडिक्वेट की जाएगी, यानी फॉस्फोरस को एडिक्वेटली बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। दूसरा, उसे एंटी हिस्टामिनिक्स दिए जाएंगे, जैसे सिट्रोजन हो गया, लीवोसिट्रोजन हो गया, ताकि अगर कोई एलर्जीज की वजह से इचिंग हो रही है तो उसे ठीक किया जा सके। तीसरा है फॉस्फेट बाइंडर्स दिए जाएंगे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट या लैंथेनम। तो अब बात करते हैं अगली कॉम्प्लिकेशन के बारे में, जो है चिल्स और फीवर। पेशेंट को डायलिसिस के समय चिल्स और फीवर होने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है इन्फेक्शन होना। दूसरा कारण हो सकता है कोल्ड डायलिसेट यूज करना या पायरोजेनिक रिएक्शंस होना। तो अब बात करते हैं कि साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहले फीवर हो सकता है डायलिसिस के टाइम पे पेशेंट को। बहुत ज्यादा ठंड लग सकती है, जिसे हम चिल्स कहते हैं। इसी के साथ पेशेंट को रेडनेस हो सकती है एंड एक्सेस साइट पे ड्रेनेज हो सकता है, यानी पस निकल सकता है। और इसी के साथ पेशेंट को खांसी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट बात करते हैं पायरोजेनिक रिएक्शंस के बारे में। पायरोजेनिक रिएक्शन एक तरीके का फीवर है या एक रिएक्शन है, जो बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन्स की वजह से हो सकता है। और ये बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन कंटामिनेशन की वजह से आ सकते हैं, चाहे वो कंटामिनेशन बाइकार्बोनेट का हो सकता है, वाटर सिस्टम का हो सकता है, मशीन में कंटामिनेशन हो सकता है, या डायलाइजर या ब्लड लाइंस में कंटामिनेशन हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि रीजंस क्या हो सकते हैं चिल्स और फीवर के डायलिसिस के समय पर। सबसे पहला रीजन हो सकता है कि डायलाइजर को ढंग से प्राइम ना किया गया हो, या डिसइंफेक्टेंट को ढंग से वॉश आउट ना किया गया हो एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्किट से बाहर। दूसरा कारण हो सकता है कि डायलाइजर को रीप्रोसेस ना किया गया हो एज पर द स्टैंडर्ड्स। तीसरा कारण हो सकता है अगर हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन यूज ना करें। चौथा कारण हो सकता है कि अगर हम एसेप्टिक टेक्निक्स एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को फॉलो ना करें। पांचवा कारण हो सकता है या पेशेंट को कोई कैथेटर रिलेटेड इन्फेक्शन है या किसी और प्रकार का कोई इन्फेक्शन है बॉडी में। छठा कारण हो सकता है कि हीमोडायलिसिस मशीन कंटामिनेटेड हो या डायलाइजर कंटामिनेटेड हो। सातवां कारण हो सकता है फर्स्ट यूज सिंड्रोम। आठवां कारण हो सकता है कि किसी प्रकार का कंटामिनेशन नॉर्मल सेलाइन में हो या डेक्सट्रोज की बॉटल में हो। नौवां कारण हो सकता है जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स ऑफ बैक्टीरिया की, वो RO वाटर में इंक्रीज हो जाए। एंड दसवां कारण हो सकता है कि एंडोटॉक्सिन लेवल RO वाटर में इंक्रीज हो। तो अब बात करते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे पायरोजेनिक रिएक्शंस में। सबसे पहले तो पेशेंट को ठंड लगने लगेगी डायलिसिस स्टार्ट होते ही। फिर उसके बाद पेशेंट को बहुत ज्यादा शिवरिंग होगी आफ्टर इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब डायलिसिस स्टार्ट होने के बाद पेशेंट बहुत ज्यादा शिवर करेगा। एंड इसी के साथ टैकीकार्डिया होगा, यानी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। फिर हाइपोटेंशन हो सकता है, यानी बीपी कम होना। मायल्जिया हो सकता है, यानी मसल्स में पेन होना।
एंड इसी के साथ हेडेक भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा पायरोजेनिक रिएक्शंस का। सबसे पहले तो पेशेंट को एक ब्लैंकेट दिया जाएगा ताकि उसकी ठंड कंट्रोल की जा सके। दूसरा, आरओ प्लांट को क्लीन किया जाएगा एंडोटॉक्सिन्स की कंटामिनेशन के लिए एंड कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स के लिए। तीसरा, हीमोडायलिसिस मशीन को क्लीन किया जाएगा ताकि कोई कंटामिनेशन हो तो उसे रूल आउट किया जा सके। एंड इसी के साथ हमें सारी एसेप्टिक प्रिकॉशंस एंड यूनिवर्सल प्रिकॉशंस को भी फॉलो करना है। नेक्स्ट हम ये कर सकते हैं कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड बी पार्ट को यूज करें। एंड लास्ट प्रिकॉशन होगा कि हम डायलाइजर को ढंग से रीप्रोसेस करें एंड उसका प्राइमिंग ढंग से किया जाए। तो अब बात करते हैं टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो डायलिसिस के समय हो सकती हैं। टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जो कॉम्प्लिकेशंस मशीन या मशीन के पार्ट्स की वजह से हो। तो सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस होने के कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कारण हो सकता है कि एंटीकोगुलेशन सफिशियंट अमाउंट में ना दिया गया हो, यानी हेपेरिन कम दिया गया हो। दूसरा, ब्लड फ्लो रेट कम हो। तीसरा हो सकता है कि लूज कनेक्शंस हो। चौथा हो सकता है कि ब्लड लाइंस में एयर चली जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं अगर क्लॉटिंग होगी तो उसके क्या साइंस और सिम्टम्स होंगे। सबसे पहला सिम्टम होगा कि वीनस प्रेशर रीडिंग्स ज्यादा आएंगी। दूसरा सिम्टम हो सकता है कि ब्लड लाइंस और ड्रिप चैम्बर्स में ब्लड का कलर डार्क हो जाए। तीसरा, क्लॉट्स विजिबल होंगे ड्रिप चैम्बर्स में और डायलाइजर में। टीएमपी अलार्म प्रॉब्लम्स आएंगी, यानी हाई टीएमपी जाएगा। तो अब बात करते हैं कि कैसे मैनेज करेंगे क्लॉटिंग को। सबसे पहले तो एंटीकोगुलेशन यानी हेपेरिन एडिक्वेट अमाउंट में दिया जाएगा। अगर हेपेरिन फ्री डायलिसिस कर रहे हैं तो 150 ml NS हर 15 से 20 मिनट दिया जाएगा। तीसरा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे और ढंग से मॉनिटरिंग करेंगे पेशेंट के वाइटल्स की। एंड चौथा, अगर किसी और कॉज की वजह से क्लॉटिंग हुई है तो उसको ढूंढकर करेक्ट किया जाएगा। दूसरी टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पावर फेलियर, यानी मशीन की पावर सप्लाई कट हो जाए। पावर फेलियर होने के कुछ कारण ये हो सकते हैं कि एसी कॉर्ड डिस्कनेक्ट हो जाए जिसकी वजह से पावर फेलियर हो जाए। दूसरा, शॉर्ट सर्किट या किसी और टेक्निकल रीजन की वजह से पावर फेलियर आ जाए मशीन में। और अगर पावर फेलियर हो जाता है तो हम हैंड क्रैंक का यूज करके पेशेंट को रिटर्न कर देंगे। तीसरी कॉम्प्लिकेशन की बात करी जाए तो वो होता है हीमोलिसिस। हीमोलिसिस का मतलब होता है आरबीसी का टूटना। आरबीसी के टूटने के कारण जो रेड ब्लड सेल्स में हमारा पोटेशियम होता है वो ब्लड में आ जाता है, जिसकी वजह से हाइपरकलीमिया हो सकता है। एंड इसकी वजह से जो ब्लड का कलर होता है वो चेरी रेड से पॉट वाइन हो सकता है। हीमोलिसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, इससे पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से हमारा हीमोलिसिस हो सकता है। सबसे पहला हीमोलिसिस का कारण हो सकता है नॉन कैलिब्रेटेड ब्लड पंप, या जो ब्लड पंप है वो ढंग से फंक्शन ना कर रहा हो। दूसरा, एक्सेसिव नेगेटिव प्रेशर हो सकता है सर्किट में जिसकी वजह से हीमोलिसिस हो। तीसरा, हमारा जो डायलिसेट है वो क्लोरीन से कंटामिनेटेड हो या क्लोरामिन से कंटामिनेटेड हो। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि हीमोलिसिस स्टार्ट हुआ है या नहीं। सबसे पहले जो ब्लड का कलर है वो वीनस लाइन में चेरी रेड कलर का हो जाएगा। दूसरा, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगेगी, पेशेंट का सांस फूलने लगेगा, पेशेंट को चेस्ट पेन हो सकता है एंड एक्सट्रीम केसेस में पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो अब बात करते हैं कि हीमोलिसिस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो पेशेंट की डायलिसिस इमीडिएटली स्टॉप कर दी जाएगी, पेशेंट को उसका ब्लड वापस रिटर्न नहीं किया जाएगा। एंड थर्ड, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं जिसे कहते हैं एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म होने के कारण हो सकते हैं सबसे पहले तो आईवी बैग का एम्प्टी होना, यानी आईवी बैग खाली हो जाने के बाद बंद ना किया गया हो। दूसरा, लूज कनेक्शंस हो। तीसरा, सेपरेशन ऑफ ब्लड लाइंस ढंग से ना हो। तो अब बात करते हैं कि एयर एम्बोलिज्म को हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। एयर पॉकेट या फॉर्म मिलेगा हमें वीनस लाइन में या आर्टीरियल लाइन में। पेशेंट को कफिंग होगी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। चेस्ट पेन डेवलप हो जाएगा पेशेंट को। साइनोसिस हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकती है, कन्वर्जन्स आ सकते हैं एंड कोमा में भी जा सकता है पेशेंट, या कार्डियक या रेस्पिरेटरी अरेस्ट भी हो सकता है। फिर बात करते हैं कि अगर किसी को एयर एम्बोलिज्म हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो ब्लड लाइंस को क्लैंप किया जाएगा, ब्लड पंप को स्टॉप किया जाएगा। फिर उसको लेफ्ट लाइन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में डाला जाएगा या लेफ्ट लेटरल पोजीशन में डाला जाएगा। ऑक्सीजन का सपोर्ट दिया जाएगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के लिए। नॉर्मल सेलाइन दिया जाएगा बीपी को सपोर्ट करने के लिए। एंड इसी के साथ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है एक्सेंग्विनेशन। एक्सेंग्विनेशन का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो जाए हीमोडायलिसिस के समय। इसके कॉजेज हो सकते हैं ब्लड लाइन सेपरेशन की वजह से हो सकता है, जो नीडल्स लगाई हैं वो एक्सेस से डिसलॉज हो जाए, रप्चर हो जाए एक्सेस का, या कनेक्शंस लूज हो। फिर बात करते हैं कि अगर किसी को एक्सेंग्विनेशन हो गया है तो उसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हमें ब्लड देखने को मिलेगा फ्लोर पे या चेयर पे या जहां भी पेशेंट लेटा है उस बेड पर। फिर पेशेंट हाइपोटेंशन में जा सकता है
यानी उसका बीपी कम हो सकता है, प्रेशर चेंज अलार्म्स ट्रिगर हो जाएंगे, पेशेंट को सीजर्स हो सकते हैं एंड पेशेंट कार्डिक अरेस्ट में भी जा सकता है। तो अब बात करते हैं कि किसी को अगर एक्सेंगुनेशन हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो जो ब्लड लॉस का सोर्स है उसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, डायलिसिस को स्टॉप किया जाएगा, ब्लड को रिटर्न किया जाएगा अगर वो कंटेमिनेटेड नहीं है, नॉर्मल सेलाइन दिया जाएगा बीपी सपोर्ट करने के लिए, अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है तो उसके लिए ऑक्सीजन दिया जाएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा अगर डॉक्टर रिकमेंड करेंगे तो। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की बात करते हैं जो है डायलाइजर रिएक्शंस। इसमें दो प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे पहला होता है इसमें फर्स्ट यूज सिंड्रोम और नॉर्मल रिएक्शंस, एंड दूसरा होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट यूज सिंड्रोम के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में। सबसे पहला सिम्टम है चेस्ट पेन, नोजिया, फिर प्रोराइटिस हो सकता है एंड शिवरिंग भी हो सकती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन की जो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। उसमें साइंस एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? सबसे पहले पेशेंट को डिस्निया होगा यानी सांस फूलने लगेगी, पेशेंट को प्रोराइटिस और हाइज हो सकते हैं यानी इचिंग होगी, एंड साथ में हाइपोटेंशन भी हो सकता है यानी बीपी का कम होना, एंड बहुत एक्सट्रीम केसेस में कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट की जान जा सकती है। तो अब बात करते हैं अगर किसी को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो जाता है तो उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो हीमोडायलिसिस बंद किया जाएगा अगर एनाफाइलेक्टिक रिस्पॉन्स की वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाए या कार्डियक डिस्ट्रेस हो जाए, फिर सिम्टोमेटिकली ट्रीट किया जाएगा, हाई क्वालिटी सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स का यूज किया जाएगा, रीयूज ऑफ डायलाइजर को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, प्रॉपर प्राइमिंग टेक्निक्स को यूज किया जाएगा, और अगर पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो सबसे पहले पेशेंट को ब्लड रिटर्न किया जाएगा। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमारे डीसीडीसी के क्लिनिकल टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।